तो रामनवमी का सबसे पहले एक बेसिक लेवल पे पोस्टर डिजाइन करेंगे, बिल्कुल बेसिक, जिसमें हम PNG यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पे आ रहे हैं, जो हम अपना फाइल साइज ले रहे हैं 720 रख रहे हैं, 1080 में ना बना के 1280 ले लेते हैं। ठीक, कलर हमने मान लो ऑरेंज ले लिए। ठीक, इस पर हम डायरेक्टली PNG ग्राफिक्स ले रहे हैं, पुट कर लेते हैं जहाँ पे भी हमें देना है। यहाँ पे सिंपली हमने दे दिया। टेक्स्ट हम इसी फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं, अपना मैनुअल भी हम क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम अभी सेट कर रहे हैं इसकी पोजीशन जहाँ देना है। लेयर स्टाइल नहीं दे रहे हैं अभी, क्योंकि डायरेक्टली हम इसको आफ्टर इफेक्ट्स में भी दे सकते हैं लेयर स्टाइल को, है ना। पोजीशन ये रख दी और एक न्यू लेयर और ले रहे हैं इसके ऊपर, या हम डायरेक्टली वेक्टर शेप यूज करें। तो यहाँ पे हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल है, कलर हम यहाँ पे इसका डिफर कर देते हैं और व्हाइट के फॉर्म में ले लिया। अगर हम इसको एक बहुत बेसिक सा पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक कर रहे हैं और जो नीचे के दो पॉइंट्स हैं इनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, अराउंड करेंगे। कहीं पे कोई ड्रॉप शेडो भी नहीं पुट कर रहे हैं, है ना। और टेक्स्ट को यहाँ पे ना यूज करके हमने कहा कि हम आफ्टर इफेक्ट्स में यूज करेंगे, तो इसका सिलेक्शन ले लेते हैं। टेक्सचर भी इसे पुट कर सकते हैं, ठीक, फिलहाल नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल बेसिक फ्लैट सा शेप लेकर चल रहे हैं, है ना। फाइल में जा रहे हैं, सेव एज, डेस्कटॉप पे मान लो नाम के नाम से हमने इसको क्या किया, सेव कर। तो हम सबसे पहले अपनी प्रोजेक्ट फाइल में क्या खोलेंगे, फोटोशॉप फाइल। कैसे लेना है, डबल क्लिक करना है, प्रोजेक्ट पैनल पे आ रहे हैं, जहाँ पे भी हमारी फाइल है उस पे आ रहे हैं, और यहाँ पे मेन ये फाइल हमारी, ध्यान रखना कि यहाँ पे अभी एज अ फुटेज ना ओपन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपोजिट रिटेन लेयर साइज, ठीक, ले रहे हैं इसको और यहाँ से हमने इसको क्या किया, इम्पोर्ट करते हैं। ठीक, एडिटेबल लेयर स्टाइल, ठीक, ओके कर रहा है, कंपोजिट फॉर्म यहाँ पे सेट हमारा दिख रहा है और इसको हम ओपन कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसका हमें पहले से ही बना बनाया क्या मिल रहा है, देखो कंपोजिशन मिल रहा है, हमें अलग से कोई क्रिएट नहीं करना पड़ा, ऑलरेडी सॉफ्टवेयर ने हमारे लिए बना दिया। डबल क्लिक करेंगे हम डायरेक्टली उस कंपोजिशन में आ गए, वो जैसा डिजाइन हमारा फोटोशॉप पे सेट था एज इट इज, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पुट हो गया कि बस अब हमें इसको क्या करना है, टाइम लाइन पे आराम से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करा देना है, एनिमेट करा देना है ना। तो सिंपली यहाँ पे हमने सब हाइड कर दिया, हमें इस लेयर से स्टार्ट कर रहे हैं, ये लेयर हमारी कौन सी है, दिस ऑरेंज वाली लेयर है, ठीक। तो यहाँ पे न्यू सॉलिड और इस पे हमने सिंपली एक सॉलिड लेयर ले लिया। कहाँ पे चले गए, इफेक्ट्स बार बार यूज कर रहे हैं, नॉइज एंड ग्रेन, और हमने क्या दे दिया, फ्रैक्टल नॉइज, ठीक। अलग अलग स्टाइल का यहाँ पे तुम्हें बिहेवियर मिलेगा, जैसा भी बिहेवियर पुट करना है। यहाँ पे इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके देख लें कि कैसा सूटेबल लग रहा है। तो मोड ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है और हमने इसको किस पे रख दिया, ऐड पे रख दिया, ऐसा है, मल्टीप्लाई पे ऐसा है, अलग अलग बिहेवियर में दिख रहा है ना। तो यहाँ पे ऐड पे रखते हैं और ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे टी प्रेस करके हमने इसकी क्या कर दी, डाउन कर दी, ठीक। तो जब टी प्रेस किया तो ओपेसिटी पैनल आया, उसकी ओवरऑल ओपेसिटी हमने डाउन की ताकि बहुत हाईलाइटेड ना नजर आए, सही है, है ना। और बस एवोल्यूशन पे आके हमने यहाँ पे क्या किया, की दिया और स्टार्टिंग 15 मान लो 15 फ्रेम्स का बना रहा है एनिमेशन, यहाँ पे आके हमने एक वैल्यू अपनी पुट कर दी, कितनी दे दी, 10 कर दी। तो बैकग्राउंड में हमें एक प्रॉपर यहाँ पे अपना क्या दिख रहा है, मोशन दिख रहा है। अब हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल स्टैटिक नहीं है, है ना, उसमें कुछ ना कुछ इस टाइप का फ्लक्चुएशन नजर आ रहा है। सिटी अभी भी हैवी लग रही है, देन यहाँ से ओवरऑल हम इसकी और क्या करें, ओके, बस एक फील हो कि हाँ हल्का सा इसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, ठीक। इसके बाद हम अपने हैंड को ऊपर करेंगे, हैंड हमारा कहाँ पे, इस वन, ठीक। ये इसकी मेन पोजीशन है जहाँ पे ये आके ऐसे सेट होगा, चाहे तो साइज और हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं। पहले यहाँ पे पी प्रेस किया, पोजीशन ऑन किया, की दे दिया, जिस ड्यूरेशन तक हमें चाहिए, मान लो 2 सेकंड की ड्यूरेशन हम दे रहे हैं, सेम लेवल का हमने यहाँ पे वैल्यू का क्या दे दिया, की दे दिया, फिर से हम कहाँ पे आ जाते हैं, स्टार्टिंग पर आ जाते हैं, ठीक। और इसको पूरी तरीके से हमने नीचे क्या किया, यहाँ पे इजी नीज आउट लगे तो दोनों का सिलेक्शन लेके हमें क्या पुट करना है, F9 प्ले करके देखें। बस स्पीड में ऐसा लगा कि स्टार्टिंग और फास्ट होती है और एंड थोड़ा सा और स्लो होता है, ऐसा बिहेवियर अगर हमें चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो हमने ईज इन ईज आउट दिया उसमें उसने स्लो एंड स्लो स्टार्टिंग और स्लो एंडिंग दिखाई हमें इसकी, और इसके स्पीड में हम वेरिएशन करना चाह रहे हैं तो हमें क्या यूज करना होगा, ग्राफ यूज करना होगा। ग्राफ यूज करने की सिचुएशन क्या होगी कि हम दोनों अपने कीज को यहाँ पे हमने पहले ही से F9 पुट करके ईज इन दे दिया है इस पे, है ना। और अब कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पैनल दे रखा है किसका, ग्राफ एडिटर का। जब हम ग्राफ पे आएंगे तो दो तरीके का ग्राफ है यहाँ पे, एक दे रखा है स्पीड ग्राफ और एक दे रखा है वैल्यू ग्राफ। बाय डिफॉल्ट जो सॉफ्टवेयर हमें ओपन करके दे रहा है वो कौन सा था ग्राफ दे रहा है, हमें स्पीड ग्राफ। दूसरा हमें कौन सा मिलेगा, वैल्यू ग्राफ। इसमें इस टाइप से हमें वैल्यूज के फॉर्म में ग्राफ डिफाइन होता हुआ दिखेगा। अभी की सिचुएशन में हम क्या यूज कर रहे हैं, स्पीड ग्राफ। स्पीड ग्राफ में जब हम चेंज करेंगे तो हमारे शेप की स्टार्टिंग और एंड पोजिशन में कोई चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो बस केवल उसकी स्पीड बिहेवियर में क्या करेगा, चेंज करेगा, उसके एक्सेलरेशन पे क्या करेगा, वर्क करेगा। स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम कहाँ पे आ रहे हैं, इसकी इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं और अब इस ग्राफ की इस वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या किया, तो कोई भी
और ये एंड इसका हमने क्या किया, और डाउन, लेकिन स्टार्टिंग देखो वो बहुत पीक वैल्यू पे क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है। तो प्ले करेंगे तो स्टार्टिंग फास्ट है, देखो एंड अब हमारी कैसा आता हुआ दिख रहा है, स्लो आता हुआ दिख रहा है ना, क्योंकि एंड पे वो रेशियो बहुत स्लोली क्या कर रहा है, पिक्सल्स को डाउन कर रहा है। ठीक, हमें और हैवी रखना है तो लगभग हम और जितनी स्पीड दे सकते हैं फास्टली, तो मोशन हमारा कुछ ऐसे आ रहा है। करने के बाद ग्राफ को बंद कर देना है और ये टाइमलाइन हमारी यहाँ पे कुछ ऐसे क्या हो रही है, मेंशन जितना हमें जैसा रखना है, तो इतनी स्पीड हमें बेटर लग रही है। ठीक, इसी के साथ एक और ग्राफिक्स थी वाइट कलर की, जो शायद ये थी, तो राउंडेड वाले रेक्टेंगल पे आ रहे हैं, पोजीशन ऑन कर रहे हैं, इसकी भी स्टार्टिंग से ये भी की दे रहे हैं और लगभग ये ड्यूरेशन अच्छी लग रही है। इसी ड्यूरेशन पे हमने सेम लेवल का की दिया, स्टार्टिंग पे चले गए और इसकी वाई पोजीशन को हमने क्या किया, सीन से बाहर किया। दोनों को पहले से ही सिलेक्शन में लेके हम क्या पुट कर देते हैं, F9, ताकि हमें इजी ईज मिल जाए वैल्यू। यहाँ पे ग्राफ में जा रहे हैं और इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके क्या करेंगे, स्टार्टिंग बहुत फास्ट और एंडिंग इसकी हमने कैसी कर दी, बहुत स्लो। ठीक, जरा चेक करते हैं कैसा मोशन आ रहा है, स्पीड बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है, बस टाइमिंग में वेरिएशन कर देते हैं, दोनों एक टाइम पे आते भी दिख रहे हैं, तो हैंड का एनिमेशन हमने थोड़ा सा टाइम लेट किया, पहले ये आएगा फिर उसके बाद ये आएगा। बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल स्टेप्स पे हमारा एक टाइप का मोशन ग्राफिक वीडियो बनता चला जा रहा है, जिसमें हमने बेसिक ग्राफिक्स के डिजाइनिंग सारी फोटोशॉप पे कर ली है। अब बस हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे कीज देते जा रहे हैं। ठीक, इस पे शेडो काउंट हो जाए जैसे कि फोटोशॉप पे हमें अवेलेबल होती है। बड़ा सिंपल है, क्या करना है, जिस भी लेयर पे शेडो देनी है उस पर राइट क्लिक करके लेयर स्टाइल जो फोटोशॉप पे दे रखा है वही यहाँ पे भी दे रखा है, और इसमें इन्होंने क्या दे रखी है, ड्रॉप शेडो, क्लिक कर दिया वो ड्रॉप शेडो देखो हमारी यहाँ पे क्या हो गई, काउंट हो गई। इसकी प्रॉपर्टीज को अगर हम यहाँ पे भी क्वालिटी यहाँ पे नॉर्मल हमने रखी हुई, इसको फुल करके देखें तो शेडो कुछ हमें ऐसे नजर आ रही है ना, और यहाँ पे शेडो की बिहेवियर में चेंज करने के लिए ड्रॉप शेडो बिहेवियर दे रखा है। ये इसकी यहाँ पे क्या दे रखी है, ओपेसिटी लेवल दे रखा है, नीचे इसकी यहाँ पे साइज वैल्यू दे रखी है। एक हल्का सा बस हमने सॉफ्ट फील ले लिया। सेम सिचुएशन हम कहाँ पे देना चाह रहे हैं, अपने राउंडेड वाले पार्ट पे देना चाह रहे हैं, राइट क्लिक लेयर स्टाइल, और इस पे भी हमने क्या दे दिया, ड्रॉप शेडो। ठीक, इसकी पोजीशन जरा हमें गड़बड़ लग रही तो ड्रॉप शेडो पे आ रहे हैं, और यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है वो जीरो कर दिया, साइज को हमने ताकि एक यूनिफॉर्म लेवल पे हमें क्या दिखे, इसकी शेडो दिखे। अरे तो एक बहुत ईजी वे में हमने फिर से अपना वेरिएशन किया और एक सिंपल एनिमेशन हम देख पा रहे हैं। टेक्स्ट पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट पुट करने के लिए अब यहाँ पे मैनुअली हम टेक्स्ट ले रहे हैं, तो साइज इंक्रीज करते हैं, श्री पुट किया हमने यहाँ पे है ना, और फॉन्ट जो भी देना है एक अच्छा फॉन्ट लिया जाए है ना, चेक कर रहे हैं जो भी एक बेटर मिलेगा उसको यूज, और ये वाइट तो नहीं रखेंगे क्योंकि वाइट स्ट्रिप आ रही है इसके ऊपर है ना, तो यहाँ पे ये सिचुएशन हमने पूरी तरीके से ब्लैक ताकि देखिए यूज करना है। पहले हम अपना बिहेवियर पूरा पुट किए ले रहे हैं, तो यहाँ पे अब हम टेक्स्ट पे आ गए, कंट्रोल डी प्रेस किया, हमने इसी श्री की क्या निकाल दी, कॉपी निकाल दी, दिख रहा है हमें यहाँ, डबल क्लिक किया और हमने यहाँ पे फॉर्म टाइप किया, कंट्रोल ए पुट करें, और इसका फॉन्ट बिहेवियर हम फिर से चेंज कर रहे हैं, इसे हम पाथ गाय में रख रहे हैं, एक मेरे पास फॉन्ट जो भी हमें साइज पुट करना है, कंट्रोल डी करके हमने फिर से श्री की कॉपी निकाली क्योंकि ये फॉन्ट हमें चाहिए यहाँ पे। तो ओवरऑल तीनों की पोजीशन पहले सेट कर लें जहाँ पे भी हमें दे दिया हमने। ठीक, और जो भी कलर कॉम्बिनेशन देना है, मान लो इसको हमने कैसा कर दिया, रेड है ना, और ये ब्लैक, ये ब्लैक रखते हैं, और रेड वाले को भी हमने यहाँ पे लेयर स्टाइल में आके क्या दे दिया, ड्रॉप शेडो। अब सिंपली हमें इसको तीनों ही लेयर्स को अपनी क्या कराना है, एनिमेट कराना है। सबसे पहले किस टाइम से चाह रहे हैं, तो जब ये पैनल इतना ओपन हो जाए, तो यहाँ पे इन तीनों टेक्स्ट की लेयर को हमने इस पॉइंट से क्या किया, स्नैप, ताकि इससे पहले ये कंटेंट हमारा ना शो, फिर उसके बाद से ये कंटेंट हमारा क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है ना, कोई इशू नहीं। अब श्री और नौमी पहले दिखे या एक साथ थप पे देते हैं फिर, तो यहाँ पे हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं, श्री से स्टार्ट कर रहे हैं है ना। अब एक तरीका है कि इनके बेसिक ट्रांसफॉर्म रोटेशन पोजिशन स्केल में हम क्या करें, चेंज करें। दूसरा, टेक्स्ट के बने बनाए यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, एनिमेशन मिलेंगे प्रीसेट्स फॉर्म में, कहाँ से यूज करने, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है, क्लिक करेंगे ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा ये है ना, तो एक बार यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगी फिर हम बहुत इजी वे में टेक्स्ट के एनिमेशन पुट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो सारे इफेक्ट्स जो हमें यहाँ से मिलते हैं वो सारे यहाँ पे भी क्या हो रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं। कहाँ पे जाएंगे, एनिमेशन एंड प्रीसेट्स में जाएंगे, और इसमें हम ढूंढेंगे क्या, टेक्स्ट, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इतने अलग अलग तरीके से टेक्स्ट के एनिमेशन के बिहेवियर दे रखे, 3D टेक्स्ट एनिमेशन इन आउट अलग अलग बिहेवियर दे रखा, तो हम इन पर आ रहे हैं है ना। हमें अपने टेक्स्ट को इनसाइड करना है, कहाँ से इनसाइड करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारा टाइम स्लाइडर कहाँ पे, तो टाइम स्लाइडर को बिल्कुल हमने टेक्स्ट के स्टार्टिंग पोर्शन पे ही रखा हुआ है। श्री को हमें एनिमेट कराना है, अलग अलग स्टाइल के यहाँ पे टेक्स्ट के क्या दे रखे हैं, बिहेवियर दे रखे हैं जो हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम इस पे दे रहे हैं रेंडम फेड अप एक दे रहे हैं,
और रैंडम फेडअप को हमने लिया, ड्रैग किया, किसके ऊपर छोड़ दिया, श्री के ऊपर। ध्यान रखना कि हमारे टाइम स्लाइडर की पोजीशन क्या हमें दे दिया, जैसे हमने पुट किया इसके ऊपर एक प्रीडिफाइंड एनिमेशन क्रिएट हो गया। आ रहा है वो रैंडमली उसकी ओपेसिटी को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। अब मे भी ऐसा हो सकता है कि इसकी टाइमिंग हमारे अकॉर्डिंग सूट ना करे, ठीक, तो हम यहाँ पे प्ले करके देखेंगे थोड़ा सा। अगर हमें इसकी टाइमिंग में एडजस्टमेंट करना तो सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे, श्री पे आएंगे, यू प्रेस करेंगे, तो जिस भी वैल्यूज पे कीज होंगे वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे इन्होंने रेंज सेलेक्टर के अंदर को एक स्टार्ट वैल्यू को क्या कराया है, एनिमेट कराया है। क्या होता है रेंज सेलेक्टर, कैसे ये हमारे टेक्स्ट पे हमें विजिबल होगा, आगे बात करेंगे। यानी हम अपने खुद के भी बिहेवियर्स ऐसे क्रिएट कर ले जाएंगे, अभी जो बने बनाए उनको हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, यूज में ला रहे हैं, है ना। और इसकी टाइमिंग को थोड़ा सा हमने क्या किया, फास्ट किया, तो श्री को हमने एनिमेट कराया है ना। इसी ड्यूरेशन में हम किस पे आ रहे हैं, राम पे आ रहे हैं, और हम फ्री से अपने प्रीसेट्स पे जा रहे हैं, फ्लाई 3D फ्लाई बिहाइंड कैमरा एक दे रखा है, ठीक, ये प्रीसेट है, डायरेक्टली इसको ड्रैग किया और हमने राम पे क्या किया, पुट किया, ठीक। और इंपॉर्टेंट है कि किस पोजीशन से पुट कर रहे हैं, तो भैया बिल्कुल स्टार्टिंग पे आ रहे हैं और तब हम इसको ड्रैग करके किस पे ले रहे हैं, राम पे ले रहे हैं, दिया, देखते हैं। तो ऐसा लगा कि वो हमारी तरफ से बिल्कुल आ रहा राम, है ना, देख ये सूट कर रहा है। अगर हमें टाइमिंग चेक करनी तो पहले प्ले करके देख लें कि एग्जैक्टली हमारी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्पीड सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर हमें गड़बड़ लग रही है स्पीड, तो हम फिर से इस पे क्या प्रेस करेंगे, यू, जिन भी वैल्यूज पे कीज होगा उन पे हम अपना बिहेवियर चेक करेंगे, है ना। और नौमी पे आ रहे हैं फिर से, और फिर से हम अपने एनिमेशन प्रीसेट्स में जा रहे हैं, कहां गया, बंद कर रहे हैं, इन पर आ रहे हैं, टाइपराइटर दे रखा है यहां पे, देखो एक आ रहा है, बहुत यूजफुल रहता है ये भी। और नौमी पे हम क्या दे रहे हैं, टाइपराइटर दे रहे हैं, व्यू पुट करके देखें, बहुत ज्यादा टाइमिंग इसकी, प्ले करके पहले देखते हैं कि कितना हमें इसको स्लो करना है। एक बहुत बेसिक लेवल पे एक बहुत इफेक्टिव एनिमेशन हमारा बन गया है, एंड पुट करें ताकि यहीं तक हम अपना टाइमिंग का रेंडर चला, प्ले करके देखते हैं।